गाइस, मैं हूं अभिनव। अब मैं बात करूंगा 54th मैच की, जो कि हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर के बीच में खेला जाना है। तो गाइस, देखना होगा दोनों की टीम, दोनों में से कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है। अगर मैं बात करूं बैंगलोर की, तो बैंगलोर ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है और हैदराबाद अभी भी जंग लड़ रही है। तो गाइस, देखना होगा कि कौन सी टीम जीत पाती है और कौन सी टीम एज अ विनर घोषित हो पाती है। अगर आप मोर डिटेल्स या फिर आप उसकी अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो यू कैन गो ऑन माई वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, हेड टू हेड डिटेल्स, मैच डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे टॉस प्रेडिक्शन की पैटर्न बता देता हूँ दोनों टीम के बीच में। मेरे पास दोनों टीम के पेपर्स हैं, हैदराबाद और बैंगलोर के। इनमें से जो भी पेपर पहली पिक करती है, वो एज अ टॉस प्रेडिक्शन का विनर माना जाता है। सपोज उसने अगर बैंगलोर की टीम को पिक किया है, तो इस टीम को एज अ टॉस विनर प्रेडिक्शन माना जाएगा। तो गाइस, मैं बात करता हूँ अब मैच के प्रेडिक्शन की। तो आप मेरा प्रेडिक्शन देखिए, एंजॉय करिए, एंड यू कैन हैव फन विद द मैच एज वेल। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। DJ Shireen.